हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? किद्दा हो तुसी सारे? की हाल चाल ने सब दा? गुड इवनिंग साजन जी, की हाल चाल ने सारे दा? आ जाओ जल्दी, तो आ जाओ सारे जने, जल्दी जल्दी आ जाओ। शुरू कर दें आज दा सेशन। स्टूडेंट्स, जिमें कि तुहानू पता है, अज आपां डिस्कस करन आ रहे हैं क्या, अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब जीके। अज आपां पढ़ांगे पंजाब जनरल नॉलेज दे क्वेश्चंस, ठीक है। अज आपां पढ़ांगे पंजाब जनरल नॉलेज दे क्वेश्चंस, अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब जीके, पढ़ांगे पंजाब जीके। जिन्ने भी पंजाब दे एग्जाम हुंदे है, सिर्फ पटवारी ही नहीं, जिन्ने भी पंजाब दे पेपर हुंदे है, सारे ही पंजाब दे पेपरां विच पुछी जांदी है कि पंजाब जीके, पंजाब जनरल नॉलेज दे क्वेश्चन पुछे जांदे है, ठीक है। तो गगन जी वधिया, जी वधिया, मैं भी वधिया, तुसी सब वधिया, मैं भी वधिया। तां जल्दी तो जल्दी आपां इहनूं डिस्कस करांगे कि अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब जीके दे क्वेश्चन। जो लोग आ चुके ने, वो अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करो ताकि वो लोग भी जल्दी तो जल्दी आ जाण। तां आपां शुरू करिए अज दा सैशन, पंजाब जनरल नॉलेज, पंजाब जीके, पंजाब दे जिन्ने भी पेपर हुंदे ने, ठीक है। एक छोटे जे क्लर्क तो लैके आईएएस दा पेपर, पंजाब सिविल सर्विसिज दा पेपर तुसी दे लो, हर एग्जाम दे विच की पूछा जाता, पंजाब जनरल नॉलेज दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंजाब जनरल नॉलेज आज आप अपनी ही स्टेट बारे जानांगे, ठीक है। जो लोग पंजाब तो ने, आप आज अपने ही राज्य बारे जानने की कोशिश करांगे, ठीक है। पंजाब दे विच की होया, तो स्टार्ट करते हैं आप आज दे सेशन नू की पंजाब जीके, पंजाब जीके। चलिए, एरे आज का पहला क्वेश्चन, पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री कौन सीगे? Who was the first chief minister of Punjab? पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री कौन सीगे? कि यो गोपीचंद भार्गव सीगे, कि यो प्रताप सिंह कैरो सीगे, कि यो बेंत सिंह सीगे, या फिर वो भीम सेन सीगे? पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री, Who was the first chief minister of Punjab? पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री, आंसर करो जल्दी तो जल्दी। पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री, पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री कौन सीगे? गोपीचंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरो, बेंत सिंह, भीम सेन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री कौन सीगे? जो लोग आंसर कर रहे ने, वो अपने फ्रेंड्स दे नाल, ठीक है। कई बारी की हुंदा, बंदा हौली हौली आउंदा, पंजाबियों नूं वैसे ही आदत हुंदी है हौली हौली आउण दी, हर काम आपां लेट ही करदे आ, ठीक है, अपनी आदत हुंदी थोड़ी जी। तां जिहड़े लोकी आ चुके ने, जिहड़े फ्रेंड्स आ चुके ने, वह अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करन ताकि वह भी जल्दी तो जल्दी आ जाण। तां साजन चुग जी ने आंसर दिता है सी, बेंत सिंह। बाकी लोग भी आंसर करन जल्दी तो जल्दी, पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री कौन सीगे? पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री। देखो, ये जिहड़े क्वेश्चंस ने ना, ये क्वेश्चन एवें पंजाब दे पेपरां विच पूछे जांदे ने, ठीक है। तो पंजाब दे जिहड़े पहले मुख्यमंत्री सीगे, उन्हां दा नाम की सीगा? पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री, तो पंजाब दे जिहड़े पहले मुख्यमंत्री सी, ओह कौन सी? ओह सीगी गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव। ये पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री सीगे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो बिलोंग करते सीगे, इंडियन नैशनल कांग्रेस इन्हां दी पार्टी सीगी। तां तीन वारी ये मुख्यमंत्री बने, थ्री टाइम्स ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तीन वारी ये मुख्यमंत्री रहे। देखिए, अगर मैं पंजाब की गल करा, ठीक है, पंजाब नूं आपां तीन हिस्से च वंडदे हां, एक आजादी तो पहला 1947 तो पहले, एक 1947 तो बाद, तीसरा हिस्सा शुरू हुंदा 1966 तो बाद, 1966 तो बाद, क्योंकि 1966 तो बाद पंजाब नूं तीन हिस्सों च वंडिया गया, ठीक है। जिवें हिमाचल दे कुछ एरिया निकले, हरियाणा निकलिया पंजाब तो 1966 दे विच, तां पंजाब नूं मैं तीन हिस्सों दे विच डिवाइड करदा। तां आपां गल करांगे 1947 तो पहले पंजाब दा मुख्यमंत्री कौन सी, 1947 तो बाद कौन बनिया, तो 1966 तो बाद कौन बनिया। देखो, 1947 तो पहले, 1947 तो पहले पंजाब दे जिहड़े मुख्यमंत्री सीगे, पहले मुख्यमंत्री उन्हां दा नाम सीगा सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर बिफोर 1947, बिफोर द 1947। उस तो बाद जब दो भारत आजाद होया, 1947 तो बाद, 1947 तो बाद इंडिया दे विच
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਫਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੈਪਸੂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪੈਪਸੂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਰੇਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1966 ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ 7 ਤੋਂ 8 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੈਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਾਸਟ ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੀਤੂ ਕਸ਼ਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀ ਸਾਜਨ ਚੁਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀ ਤਾਂ ਬੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ
कौन? प्रकाश सिंह बादल जी। तो पांच बारी मुख्यमंत्री बन चुके ने पंजाब दे, पांच बारी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। चलो चलते हैं अगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, जो इंडिया आजाद हुआ तो पैप्सू बनिया, ठीक है, पैप्सू बनिया, पैप्सू बन गया। तो उस तो बाद की होया, जो पैप्सू बनिया तो पैप्सू के किनिया प्रिंसली स्टेट सी, पैप्सू दिया किन्ने प्रिंसली स्टेट्स पैप्सू का पार्ट सी, किनिया प्रिंसली स्टेट्स पैप्सू का पार्ट सी। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब यूनियन, किनिया स्टेट्स, किनिया प्रिंसली स्टेट सी पंजाब दे विच, की सत्त सीगियां, अठ सीगियां, तेरह सीगियां या चौदह सीगियां, ठीक है, सैवन एट थर्टीन फोर्टीन, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स इन द पैप्सू, आंसर करो जल्दी तो जल्दी। जो लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो, क्योंकि इतने जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के इदा ही क्वेश्चन आते हैं, पेपर के इदा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकन, चाहे पंजाब पटवारी है चाहे कोई भी पेपर है, ठीक है, पंजाब जीके तो आनी ही आनी है अगर पंजाब स्टेट कोई पेपर लै रही है। तो नीतू कश्यप जी कह रहे हैं बी अठ, प्रिंसली स्टेट्स। काफी सारे लोग ने जेडे देखता रहे ने पर आंसर नहीं कर रहे, उन्होंने मैं ये कहना चाहूंगा आंसर करो, आंसर करो, ठीक है, सिर्फ देखने वाली, अगर तुसी ग्रो अप करना है ना तो तुहानू आंसर भी करने चाहिए है, ठीक है, तुहाडी अपनी स्किल्स इंप्रूव होणगी अगर तुसी आंसर करोगे, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होंदियां ने, आंसर जरूर करो, चाहे गलत होएगा कोई इशू नहीं है, आंसर तो करो, कुछ पता तो लगेगा। तो पंजाब दे विच पैप्सू दे विच किन्नियां प्रिंसली स्टेट सीगियां, तो देखो पैप्सू की आप गल करिए, पैप्सू दे विच किन्नियां प्रिंसली स्टेट सीगियां, पैप्सू दे विच अठ प्रिंसली स्टेट सीगियां, ठीक है, केड़िया केड़िया सीगियां, पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, कलसिया, मलेरकोटला, नालागढ़। नीतू जी पूछ रहे ने प्रिंसली स्टेट्स मीनस, देखो नीतू जी जदों भारत आजाद होया सी ना, वैन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस 1947, तो अंग्रेजा ने की किया सी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया सीगा, इंडिया और पाकिस्तान तो बनाया सीगा, बट उस तो इलावा की सीगा, इंडिया दे विच काफी सारे किंगडम सीगे उस टाइम भी, काफी सारी राजा महाराजा सीगे, तो राजा महाराजा जिवें बाद च तुहानू पता आएगा द सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनाइटेड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता इन्हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्या भी इंडिया दे विच ओ राजा महाराजा सीगे उन्होंने नाल मिलाया, उन्होंने नाल मिलाया, इंडिया दे नाल मिलाया, अज जिहड़ा आपां इंडिया दा मैप देखदे आ ओह तां बणिया सीगा, ठीक है। तो जिवें इंडिया दे विच भी काफ़ी सारे किंगडम राजा महाराजा सीगे, पंजाब दे विच भी सीगे, तो पंजाब दे विच अठ, अठ बेसिकली राजा महाराजा वाले एरिया सीगे, वी कैन कॉल प्रिंसली स्टेट, जिथे राजा दा रूल हुंदा सीगा, बाकी जगह ते मुख्यमंत्री रूल कर रहा सीगा, बट इन्हां अठ एरिया दे विच की हुंदा सीगा, राजा महाराजा हुंदे सीगे। तां पैप्सू, पैप्सू दे विच अठ प्रिंसली स्टेट सीगियां, केड़िया केड़िया, पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, कलसिया, मलेरकोटला, नालागढ़, ए अठ प्लेसिस सीगे, ठीक है। तो जदों इंडिया आजाद होया 1948 दे विच, 1948 दे विच कीता गया, इन्हां नूं अठ दे अठ प्लेसां नूं मर्ज करके पैप्सू नाम रख दिता गया, ठीक है। जिन्हां डिस्ट्रिक्ट दी रियासत सी, जी हाँ नीतू जी, जिन्हां दे विच रियासत हुंदी सीगी, बट जदों की होया, जदों पैप्सू जो भारत इंडिया आजाद हो गया 1948 दे विच की किया गया, इन्हां अठ दे अठ एरिया नूं मर्ज करके इन्हां नाम रख दिता गया पैप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इन्हों एक नाम दिता गया, बट उस तो पहले अठ प्रिंसली स्टेट्स होंदिया सी पंजाब दे विच, ठीक है। चलो अगे चलते हैं, पंजाब का रियल मीनिंग की है, लिटरल मीनिंग ऑफ नेम पंजाब, पंजाब की पंजाब लैंड ऑफ फाइव रिवर्स है, कि पंजाब लैंड ऑफ सैवन रिवर्स है, एरिया नियर माउंट एबू, या फिर किंगडम ऑफ फाइव पांडव्स, पंजाब का रियल नेम की है, ठीक है। रोहित जी पूछ रहे ने सर नोटिफिकेशन कदों आएगी, रोहित जी नोटिफिकेशन का तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, बट आएगी जरूर, अज आए कल नू आए, बट आएगी जरूर, ठीक है, इन्नी गारंटी है, नोटिफिकेशन जरूर आएगी, बट एग्जैक्ट टाइम तो हाले तक बोर्ड वाले भी नहीं दस सकते, ठीक है, सरकार भी नहीं दसती है, तो आप की दस सकते हैं एग्जैक्ट टाइम की है, नोटिफिकेशन कदों आएगी, बट आएगी जरूर। अगर आप प्रीवियस नोटिफिकेशन की गल करिए, सरकार ने इन्ना अनाउंस किया कि जुलाई 2020 तक, जुलाई 2020 तक असी रिक्रूटमेंट कर लांगे, तो जुलाई तक अगर वो रिक्रूटमेंट करने की गल करते हैं तो आप भी मान सकते हैं नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आएगी, ठीक है, आप भी मान सकते हैं। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं,
द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, दैट इज राइट आंसर. पंजाब पंज पानिया की धरती, पंजाब की पंज पानिया की धरती, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, जिदे विच पंजाब वर्ड दो अखरों नू दो पार्ट्स मिला के वंडिया है, पंज ते आब. पंज दा मतलब की हुंदा फाइव पंजाबी दे विच, गुरमुखी दे विच. आब दा मतलब की हुंदा पानी, तो इसलिए आपां इहनूं की बोलदे लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पंज पानिया की धरती. ते पंज नदियां दी गल हुंदी है, ते पंज नदियां सीगियां इस करके बोलिया जांदा पंज पानिया की धरती. पंज नदियां किहड़ियां किहड़ियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब ते जेलम. सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब ते जेलम, जिहदे विचों सतलुज, ब्यास, रावी ते अज वी है, बट जो 1947 दे विच डिवाइडेशन होया ता चनाब ते जेलम अज पाकिस्तान दे विच ने. चनाब ते जेलम अज साडे कोल नहीं है, सतलुज, ब्यास, रावी अज भी पंजाब दे विच ने, बट पंजाब पंज पानियां दी धरती कहा जाता है. लैंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, ठीक है, जो डिवाइडेशन हो गया पंजाब उधर भी है, पंजाब इधर भी है, तो लैंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, वी कैन कॉल. चलो अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब बिफोर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, जो भारत आजाद होया, ठीक है, उस तो पहले 1947 तो पहले पंजाब की कैपिटल की सी, 1947 तो पहला पंजाब की कैपिटल की सी. जिवें कि सानू पता है अज पंजाब की कैपिटल की है, चंडीगढ़, ठीक है, यह सबनों पता है पंजाब ते हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़. बट भारत के आजाद होने तो पहले, इंडिया के आजाद होने तो पहला पंजाब की कैपिटल केड़ी सी, विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो पहले कैपिटल केड़ी सी, आंसर करो जल्दी तो जल्दी. तो आंसर आ रहे ने सी सी लाहौर, लाहौर. स्टूडेंट्स तुहानू समझ तो आ रहा ना, मैं पंजाबी दे विच बोल रहा, अगर पंजाबी दे विच तुहानू दिक्कत अगर नहीं समझ आ रहा तो मैनू दस सकते हो, ठीक है. आई कैन यूज द अदर लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, कमेंट सैक्शन च दस दो अगर तुसी कंफर्टेबल हो तो ऑन गोइंग, अदरवाइज लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैनू कोई इशू नहीं है, समझ आना चाहिए बस. तो आंसर आ रहे हैं लाहौर, 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 यस राइट, लाहौर पंजाब की कैपिटल सी बिफोर द 1947, 1947 तो बाद भारत जदों पंजाब जदों भारत आजाद होया उस तो बाद की हो गया साडी कैपिटल पंजाब हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है अज चंडीगढ़, चंडीगढ़. चलिए अगे वधदे आप, पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है, पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है, वट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है, इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया दे विचों पंजाब का एरिया किन्ना है, ठीक है, पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है. पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है, आंसर करो पंजाब का टोटल एरिया किन्ना है, ठीक है. तो आंसर आने शुरू हो गए ने, प्रिंस जी कह रहे हैं, गगन जी कह रहे हैं सी सी 50,362 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर. तो आंसर आ रहे हैं पंजाब का टोटल एरिया, पंजाब का टोटल एरिया, पंजाब का टोटल एरिया. तो देखो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो तुसी, पंजाब का जो टोटल एरिया वो किन्ना है, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब का टोटल एरिया है. इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उनका 1.54% उनका 1.54% पंजाब है, ठीक है, उन्ना एरिया पंजाब ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जिदे विचों 50,362 स्क्वायर किलोमीटर दे विचों 48,265 जड़ा है वो रूरल एरिया है, ठीक है, एंड 2097 स्क्वायर किलोमीटर जड़ा है ए अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ठीक है, ए किन्ना है 2097 स्क्वायर किलोमीटर किन्ना है अर्बन एरिया हैगा. उस तो बाद फर्दर गल करिए, पंजाब 20th पोजिशन ते है, पंजाब 20वें स्थान ते है एरिया वाइज, आप गल करिए 20th पोजिशन ते है, ठीक है. अगर पॉपुलेशन दे नाल कंसीडर करिए, अगर एरिया नू पॉपुलेशन दे नाल देखिए तां की हुंदा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी पर वॉल्यूम 550 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर दे विच 550 दी डेंसिटी है पंजाब दी, 550, ठीक है. इंडिया का जेड़ा एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है पंजाब 20th ते है, तो जेड़ा सब तो वड्डा ओ केड़ा राजस्थान, सब तो छोटा केड़ा गोवा, सब तो वड्डा राजस्थान, सब तो छोटा गोवा. तो पंजाब की आप गल कर रहे हैं तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पंजाब की टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, सेंसस 2011 दे विच आई सी, हुण 2021 दे विच आऊगी,
बट जी 2021 सेंसस आनी है उनका जो डाटा कलैक्शन काम है उनका डाटा कलैक्शन काम 1 अप्रैल 2020 तो शुरू हो जाना है। तो कदों तक चलेगा? वो चलेगा सितंबर 2020 तक। सितंबर तक सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, उस तो बाद 2021 सेंसस डाटा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली पंजाब की जी टोटल पॉपुलेशन है वह कितनी है? वह है 2,77,43,338। रूरल एरिया में कितना है? 62.51% रूरल है, ठीक है। पिंडा दे विच रहिंदे ने, ते शहरां दे विच किन्ने लोकी रहिंदे ने? शहरां दे विच रहिंदे ने 37.49%, ठीक है। 37.49% शहरां दे विच रहिंदे ने, 62.51% 62.51% रहिंदे ने पिंड दे विच, रूरल पॉपुलेशन जिन्हों आपां कहिंदे आ, ठीक है। तो टोटल किन्नी है? 2,77,43,338। तो यह सीगा पंजाब। ये सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पंजाब? किन्ने परसेंट अर्बन पॉपुलेशन है, किन्ने परसेंट रूरल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन किन्नी है, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पंजाब, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पंजाब, अलग तो पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन दे विच से सारा कुछ कवर किया, जिवें कि मैं पहले दस्या की फोकस है, फोकस है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम नहीं वेस्ट करना। आपां घट तो घट टाइम दे विच जिन्ना जिंदा ज्यादा डिस्कस कर सकांगे उन्ना ही अपने लिए वधिया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है तो आप पूरे नंबर लेने, आप नहीं छड़ना, आप स्किप नहीं करना, आप क्वेश्चन करके ही आना, उत्थे दे आप छड़ के नहीं आना, आप करना ही करना है, ठीक है। तो एक ही सीगा, आप गल की है, आप गल की पॉपुलेशन की तो एरिया की। चलो अगे चलते हैं, नैक्सट गल करते हैं फरदर। पंजाब दे विच किन्ने डिस्ट्रिक्ट ने? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब? पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? आंसर करो जल्दी तो जल्दी। पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब? पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? 17 ने, 20 ने, 22 ने के 27 ने? पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब? तो आंसर आने शुरू हो गए ने। गगन चीमा जी कह रहे ने, सदन चुकदा भी आंसर आ रहा सी सी। नीतू जी कह रही नी, नीतू जी कह रहे ने 22। तो पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? पंजाब दे विच 22 जिले ने, पंजाब दे विच 22 जिले ने, ठीक है। 22 जिले ने पंजाब दे विच, ए 22 जिले ने पंजाब दे विच, ठीक है। पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? 22 जिले ने पंजाब दे विच। ए पंजाब दा मैप है, ठीक है। पंजाब दा मैप आप देख रहे हैं, पंजाब दे विच किन्ने जिले ने? 22 जिले ने पंजाब दे विच, 22 जिले। ए पंजाब दा मैप है जिहड़ा आप देख रहे हैं। तब किहड़े किहड़े 22 जिले ने? अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, फाजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर। नवांशहर का नाम बदल दिया गया, नवांशहर नूं हुण की बोलते हैं? शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है। उसके अलावा पठानकोट, पटियाला, रूपनगर जिन्हों आप रोपड़ बोल देने, ठीक है। उस तो बाद मोहाली, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, संगरूर ते तरन तारण। ए 22 जिले ने पंजाब दे, ए पंजाब दे 22 जिले ने, ठीक है। ए पंजाब दे 22 जिले ने। तो पंजाब दे विच टोटल 22 जिले ने, अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, फाजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, मोहाली, संगरूर ते तरन तारण। 22 जिले ने पंजाब दे विच। चलो अगे चलते हैं। हुणे हुणे तुसीं पंजाब दा मैप वेख्या सीगा, ठीक है। हुणे हुणे मैं तुहानूं पंजाब दा मैप दिखाया सीगा, तां पंजाब दा मैप तुसीं देख चुके हो, ठीक है। इस क्वेश्चन दा आंसर बिल्कुल सही होएगा सारिआं दा, ठीक है, क्योंकि तुसीं मैप देख चुके हो। तां पंजाब दी जिहड़ी जियोमैट्रिकल फिगर है, पंजाब दा जिहड़ा मैप सीगा, उंदी जिहड़ी शेप है उह किस तरां दी है? कि उह रोम्बस वर्गी है, कि उह रैक्टेंगल वर्गी है, कि उह सर्कल वर्गी है, कि उह ट्रायंगल वर्गी है? आंसर करो। पंजाब दी जिहड़ी शेप है, पंजाब दी जिहड़ी शेप है उह किस तरां दी है, ठीक है। अज दा जिहड़ा पंजाब है, अज उंदी जिहड़ी शेप है उह किस तरां दी है? कि उह रैक्टेंगल है, कि उह सर्कल है, कि उह ट्रायंगल है? तुसीं मैप देख सकते हो, तुसीं मैप देख चुके हो, तां सारे जणे सही आंसर करनगे इहदा, क्योंकि तुसीं मैप देखिया। मैप नूं माइंड विच लैके आओ, किदां दा सीगा पंजाब, कि पंजाब ट्रायंगल वर्गा सीगा, कि पंजाब सर्कल वर्गा सीगा, कि पंजाब रैक्टेंगल वर्गा सीगा, कि पंजाब रोम्बस वर्गा सीगा? पंजाब दी शेप
शेप ऑफ पंजाब। तो आंसर आ रहे हैं अपने गोल, गगन चीमा जी कह रहे ने डी, नीतू कश्यप कह रहे ने डी। मैप देखिए फ्रेंड्स, तुसी हुणे एज आई सेड अर्लियर, जो लोग आ चुके ने, जो लोग आ चुके ने, ठीक है, जो आंसर कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो, तुहाडे ओ फ्रेंड्स जिहड़े कि पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब जीके सारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा जिहड़ा तुसी कोई भी पंजाब का पेपर देना है, ठीक है, चाहे तुसी पटवारी देना है, कानूगो देना है, या फिर पी एस पी सी एल आउंदा हर साल, या तुसी कोई भी पेपर पंजाब देना है, ठीक है, पी ट्रिपल एस बी क्लर्क आंदा है, कोई भी पेपर देना, पंजाब जीके तो हर थान से आनी है। तो जिहड़े लोग आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर भी करो, ठीक है। साडा जिहड़ा ये कोर्स चल रहा है, मैं इहदे बारे भी तुहानू दस दिंदा, जो अपना कोर्स चल रहा है, देखो कोर्स बारे में तुम्हें दसना चाह रहा, पंजाब पटवारी, ठीक है, ये अपना कोर्स जो ऑनगोइंग चल रहा है, ऑनलाइन वार्मअप कोर्स है, ठीक है, ये वार्मअप कोर्स है जो कि 15 फरवरी तो डेली लाइव चल रहा है। इस दे विच 18 वीडियो लैक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, 18 वीडियो लैक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 सैक्शनल टैसट ने जिन्हों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है, तुम टैसट भी देख सकते हो जिन्हों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन है। ये असं तुम्हें 18 वीडियो लैक्चर दसागे, ये दस रहे हैं कि पेपर किस तरह का आंदा है, पेपर दे विच किद्दां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर किद्दां दा आंदा है, पेपर दे विच किद्दां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तुहानू दस्या जा रहा है, ठीक है, ताकि तुहानू पता लग सके, तुहानू आइडिया हो सके, अगर तुसी पहले पेपर नहीं दिता है कोई तो तुहानू आइडिया हो सके पेपर दे विच किद्दां दे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सम ऑफ दैम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो आप डिस्कस कर रहे हैं विच ही, तो किद्दां किद्दां दे क्वेश्चन आते हैं, किद्दां किद्दां दे क्वेश्चन आणगे, तो यह तुहानू दस्या जा रहा है, ठीक है। अभिमन्यू, अभिमन्यू पिछले 20 सालों तो, अभिमन्यू पिछले 20 सालों तो चंडीगढ़ पंजाब दे विच काम कर रहा है, तो अभिमन्यू ने पता ही नहीं, अभिमन्यू ने अनलिमिटेड, ठीक है, अभिमन्यू ने थाउजेंड्स ऑफ पीसीएस पंजाब दे विच बनाए ने, तो अभिमन्यू पंजाब सिविल सर्विसिज दे विच काम करता आ रहा है काफी टाइम तो हुण अभिमन्यू तुहानू पटवारी बनवाएगा, ठीक है, अभिमन्यू तुहाडी हैल्प करेगा पटवारी बनन दे विच, मेहनत तुहाडी होएगी पटवारी बनन दे विच, काम करेगा नाल तुहाडे अभिमन्यू, ठीक है, अभिपीडिया तुहाडे नाल काम करेगा, बनांगे आपां पटवारी अभिपीडिया दे नाल। तां इत्थे गल करदे आं, आपां गल कर रहे सी किहदी, आपां गल कर रहे सीगे पंजाब दे जियोमैट्रिकल शेप दी, तां आंसर आ रहे सी अपने कोल डी डी ट्रायंगल, जी हाँ बिल्कुल सही, पंजाब दी जिहड़ी शेप है वो की है, ट्रायंगल है, पंजाब ट्रायंगल वर्गा लगता है, ठीक है, आपां मैप दी गल कीती सी पंजाब किद्दां दा लगता है, पंजाब ट्रायंगल वर्गा लगता है, तां पंजाब ट्रायंगल दे विच अगर आपां देखिए तां सब तों उपर, ठीक है, सब तो उपर किहड़ा डिस्ट्रिक्ट सीगा, सब तो उपर आंदा पठानकोट, सब तो उपर आंदा पठानकोट। उस तो बाद अगर मैं गल करा नीचे दी, अगर मैं नीचे दी गल करा तो नीचे दे विच लेफ्ट कॉर्नर दे विच फाजिलका आंदा, ते अगर मैं गल करा राइट कॉर्नर दे नेड़े तो राइट कॉर्नर दे नेड़े आंदा पटियाला, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ते फाजिलका आंदा, फाजिलका जिहड़ा कि सब तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बनिया सीगा। उस तो बाद इधर की आंदा राइट साइड ते की आ जांदा, राइट साइड ते आंदा पटियाला, तो पठानकोट सब तो उपर, फाजिलका ईस्ट, फाजिलका लैफ्ट, नीचे लैफ्ट एंड नीचे राइट से पटियाला। चलो अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पंजाब इज डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी रीजनस, पंजाब किन्ने रीजनस दे विच वंडिया होया, ठीक है, पंजाब किन्ने रीजनस दे विच डिवाइड किया होया, 2, 3, 4, 5, 6 पंजाब नू किन्ने रीजनस वंडिया होया, ठीक है, पंजाब नू किन्ने रीजनस दे विच डिवाइड किया होया, हाउ मैनी रीजन आर देयर इन पंजाब, पंजाब दे विच किन्ने रीजन ने, आंसर करो जल्दी तो जल्दी। आई अगेन सैड स्टूडेंट्स देखता रहे ने लैक्चर, आंसर नहीं कर रहे यार, आंसर करो, आंसर करोगे ग्रो अप करोगे, ठीक है, देखता तुसी बाद रिवाइज करके भी सकते हो, नाल आंसर तो करो। हाउ मैनी रीजन आर देयर इन पंजाब, पंजाब दे विच किन्ने रीजन ने, रीजन इतने मैं धर्म की गल नहीं कर रहा, हिंदू सिख मुस्लिम इन्हों की गल नहीं हो रही है, ठीक है, लैंग्विस्टिक रीजन जो ने जिन्हों में पंजाब डिवाइड किया हो तो लैंग्विस्टिक रीजन किन्ने ने, ठीक है, रिवर्स जिहड़ियां डिवाइड कर दिया ने, जिहड़ियां रिवर्स डिवाइड कर दिया ने सानू रिवर्स, तो रिवर्स ने किन्ने रीजन के डिवाइड किया हो पूछा जा रहा है, इतने रीजन रिवर्स ने किन्ने रीजन के डिवाइड किया हो, पंजाब इज डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी रीजन, तो आंसर आ रहे हैं मेरे को गगन चीमा जी, नीतू कश्यप, साजन चुग कह रहे ने 5, 5, 5। तो पंजाब की अगर मैं गल करा, देखो पंजाब किन्ने रीजनस के डिवाइडेड है, ठीक है, मैं रिवर्स के बेसिस के उत्ते पूछ रहा, तो किन्ने रीजनस डिवाइडेड है, 3 रीजनस के डिवाइडेड है, यह 3 रीजनस केड़े केड़े ने, मालवा, माझा, दुआबा, मालवा, माझा, दुआबा,
ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਦੁਆਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਦੁਆਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਰੀ ਦੁਆਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੀ ਦੁਆਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਝੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰੀ ਦੁਆਬ, ਬਰੀ ਦੁਆਬ। ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਝਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਮਾਲਵਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਮਾਲਵਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਊਦਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਦਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਮੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ। ਮੇ ਬੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਦੁਆਬ, ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਮਾਝਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 14 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 22 ਸੀਗੇ, 4 ਉੱਧਰ ਗਏ, 4 ਉੱਧਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਬਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ 3 ਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟਸ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਸੈਪਰੇਟਸ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨਸ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨ ਹੁਣੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੀਤੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਆਸ, ਗਗਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ 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 ਨਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ। ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਸਤਲੁਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬ, ਦੁਆਬਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ,
which is the largest district of Punjab? Punjab da sab toh vada district keda hai? Ki yo Amritsar hai, ki yo Ludhiana hai, ki yo Firozpur hai, ki yo Gurdaspur hai? Punjab da sab toh vada district. Punjab da sab toh vada district. Answer karo. रोहित जी पूछ रहे सर तुहाडे प्रॉपर लेक्चर कद तो लगणगे रोहित जी ये वार्म अप कोर्स है ठीक है वार्म अप कोर्स तो बाद असी तुहानू इस दे विच ये दस रहे हैं कि किद्दां दे पेपर दे विच किद्दां दे क्वेश्चन आंदे हैं 18 लेक्चर्स इहदे विच पढ़ाए जाणगे 18 लेक्चर्स तो बाद असी पूरा कोर्स लेके आवांगे तुहाडे लई ठीक है प्रॉपर कोर्स दैट विल हेल्प यू टू बिकम पटवारी एंड कानूगो ठीक है पटवारी या कानूगो दी विच जेड़ा भी सब्जेक्ट आंदे ने उहदा प्रॉपर तुहाडे लई एक पूरा दा पूरा कोर्स लेके आवांगे असी After these 18 lectures, the answer आने शुरू हो रहे ने. The largest district of Punjab, the largest district of Punjab is Ludhiana. Ludhiana Punjab का सबसे बड़ा district है. चाहे area wise देखिए, चाहे population wise देखिए, चाहे area नू देखो, चाहे population नू देखो, दोनों wise Ludhiana ही सबसे बड़ा district है. ठीक है, one of the industrial hub of the Punjab. ता लड़ा Ludhiana का area है वो कितना है? 3767 square kilometer. 3767 square kilometer area भी ध्यान रखना और population कितनी है population है 34,98,739 we can call approximately 35 lakh ठीक है अपा कह सकते हैं तकरीबन 35 लाख लुधियाने दी जेड़ी जनसंख्या है population है चलो अगे चलते हैं अगे बढ़ते हैं सब तो छोटा district केड़ा है सब तो बड़ा लुधियाना सीगा सब तो छोटा but area wise एरिया वाइज पंजाब का सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट केड़ा है एरिया वाइज पंजाब का सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट केड़ा है आंसर करो जल्दी तो जल्दी फाजिलका है पठानकोट है बरनाला है बठिंडा है केड़ा है आंसर करो पंजाब का सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज साजन जी कह रहे हैं फाजिलका नीतू जी भी कह रही ने फाजिलका लगता साजन जी उधर ही बिलोंग करते हैं एरिया वाइज शॉर्टेस्ट एरिया वाइज शॉर्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखो एरिया वाइज जो शॉर्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना वो केड़ा है वो है इत्थे पठानकोट सब तो शॉर्टेस्ट है एरिया वाइज ठीक है पठानकोट सब तो शॉर्टेस्ट है एरिया वाइज किन्ना है 929 स्क्वेयर किलोमीटर पठानकोट का जो एरिया है पॉपुलेशन कितनी है पठानकोट के 6,26,154 ठीक है 6,26,154 साजन जी फाजिलका थोड़ा वड्डा हैगा ठीक है फाजिलका थोड़ा वड्डा है तुसी उत्तो बिलोंग करते हो बट तुसी देखो फाजिलका दे विच जलालाबाद आंदा है अबोहर आंदा है ठीक है तो पठानकोट दे विच ज्यादा एरिया नहीं आंदा पठानकोट छोटा जिहा डिस्ट्रिक्ट है तो पठानकोट 929 स्क्वेयर किलोमीटर है फाजिलका इस तो वड्डा है चलो अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पहले केड़ा पढ़िया आपां एरिया वाइज पढ़िया हुण पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट केड़ा है पॉपुलेशन वाइज ठीक है पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट केड़ा है दसो पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट केड़ा है पॉपुलेशन वाइज पहले एरिया वाइज सीगा एरिया वाइज छोटा केड़ा सीगा पठानकोट हुण दसो पॉपुलेशन वाइज छोटा केड़ा है पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन
तो देखो पॉपुलेशन वाइज सब तो जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो केड़ा है, पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा डिस्ट्रिक्ट है केड़ा, बरनाला। बरनाला पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा, सब तो घट पॉपुलेशन इतने की है 596,294 पॉपुलेशन है पंजाब दी किदी बरनाले दी, बरनाले दी सब तो छोटा है एंड एरिया 1423 स्क्वायर किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेडी टू बिकेम आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट लेडी टू बिकेम आईपीएस ऑफिसर, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, पहली महिला, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, आंसर करो जल्दी तो जल्दी। आंसर आ रहे ने अपने को, साजन कह रहे ने ए, नीतू कह रही है ए, तो आईपीएस ऑफिसर तो किरण बेदी इज द राइट आंसर। किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ने, शी बिलोंग्स टू अमृतसर, शी बिलोंग्स टू अमृतसर पंजाब, ठीक है, ये अमृतसर बिलोंग, अमृतसर तो बिलोंग करते सी किरण बेदी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। देखो किरण बेदी की अगर मैं हूं गल करा, प्रेजेंटली शी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेजेंटली शी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, प्रेजेंटली ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुडुचेरी दे, पुडुचेरी दे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौन, किरण बेदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ते बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉन एज गोल्डन सिटी, इन्होंने केड़ी सिटी है जिन्होंने गोल्डन सिटी आख्या जाता है, इन्होंने केड़ी सिटी है जिन्होंने गोल्डन सिटी आख्या जाता है। थोड़ा जा टेक्निकल इशू आ रहा है जिदे करके थोड़ा जहाँ विचों स्लो हो रहा है, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी ऑफ पंजाब, आंसर करो तुसी। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसनों आख्या जाता है, गोल्डन सिटी किसनों आख्या जाता है, गोल्डन सिटी, तो आंसर आ रहे हैं अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। जी हाँ बिल्कुल सही, गगन चीमा जी कह रहे हैं सर मोहाली सब तो छोटा है, गगन चीमा जी सब तो छोटा एरिया वाइज कह रहे हो पॉपुलेशन वाइज, देखो पॉपुलेशन अगर गल करिए पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज तो बरनाला है, ठीक है, अगर मैं एरिया वाइज गल करा तो एरिया वाइज इतने जो मोहाली का जो एरिया काउंट होता है ना, मोहाली का एरिया अप्रोक्सीमेटली 1100 स्क्वेयर किलोमीटर है, ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं कि पठानकोट का 900 समथिंग है, तो मोहाली सब तो छोटा नहीं है, पठानकोट सब तो छोटा है, पठानकोट सब तो छोटा है, ठीक है, मोहाली का एरिया अप्रोक्सीमेटली 1100 के नेड़े तेड़े है, 1100 स्क्वेयर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो यहां पर इतने की है मोहाली सब तो छोटा नहीं है, मोहाली सब तो छोटा नहीं है। तो गोल्डन सिटी आप अगर पंजाब दे विच देखिए, पंजाब दे विच गोल्डन सिटी बोलिया जाता है अमृतसर, पंजाब दे विच गोल्डन सिटी बोलिया जाता है अमृतसर, बट जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जैसलमेर भी गोल्डन सिटी बोलिया जाता है, जैसलमेर भी गोल्डन सिटी ही बोलिया जाता है जैसलमेर, ठीक है, तो इंडिया वाइज जैसलमेर, पंजाब दे विच देखांगे तो अमृतसर, अमृतसर दैट इज गोल्डन सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टील सिटी ऑफ पंजाब, स्टील सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब स्टील सिटी केड़ी है, स्टील सिटी ऑफ पंजाब केड़ी है, स्टील सिटी ऑफ पंजाब, की लुधियाना है, की अमृतसर है, मंडी गोविंदगढ़ है, रोपड़ है, स्टील सिटी ऑफ पंजाब किसनों आख्या जाता है,
स्टील सिटी ऑफ पंजाब किसनू आख्या जाता है? स्टील सिटी ऑफ पंजाब, स्टील सिटी ऑफ पंजाब किसनू आख्या जाता है? स्टील सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, इस शहर दे विच लोहे की इंडस्ट्री काफी है, स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैगी है, ता करके इनू बोलिया जाता है कि स्टील सिटी। लोहा मंडी, लोहा मंडी भी बोलते हैं इनू। ठीक है, स्टील सिटी, लोहा मंडी, इतने स्टील इंडस्ट्रीज ने, लोहे की इंडस्ट्रीज ने। तो पंजाब का कौन सा शहर है? तो आंसर आ रहा है, साजन जी कह रहे हैं सी। तो देखो अगर मैं गल करा स्टील सिटी की, तुहाड़ा आंसर बिल्कुल सही है, मंडी गोबिंदगढ़। मंडी गोबिंदगढ़, मंडी गोबिंदगढ़ नूं बोला जाता है कि स्टील सिटी और लोहा मंडी। ठीक है, क्योंकि इतने काफ़ी सारिया स्टील फैक्ट्रीज ने, काफ़ी सारिया इतने स्टील फैक्ट्रीज ने। थोड़ा दिन पहले न्यूज़ भी आया सीगा, इतने की चल रहा सीगा, इतने लैंड स्कैम चल रहा है। ठीक है, एक लैंड स्कैम काफ़ी हो रहा है इतने कि मंडी गोबिंदगढ़ के, जिहड़ियां इंडस्ट्रीज ने कई लैंड ते बनिया हुई हैं, लैंड नूं लेके स्कैम होया सी इतने, तो वह काफ़ी न्यूज़ दे विच चल रहा। दैट इज मंडी गोबिंदगढ़, लोहा मंडी, स्टील सिटी ऑफ पंजाब। चलो अगे चल रहे हैं। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब दे पहले गवर्नर कौन सीगे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब दे पहले गवर्नर? चद्दूलाल, माधव लाल त्रिवेदी, धर्मवीर, शंकर दयाल शर्मा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, पंजाब दे पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब दे पहले गवर्नर कौन सीगे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब दे पहले राज्यपाल, गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। शंकर दयाल शर्मा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, धर्मवीर, चंदूलाल, माधव लाल त्रिवेदी, पंजाब दे पहले गवर्नर। तो देखो गवर्नर की गल करिए आप, ठीक है, आप गवर्नर की गल कर रहे हैं, राज्यपाल। जिवें कंट्री दे विच, जिवें कंट्री दे विच प्रेजिडेंट होंदा, उवें स्टेट दे विच गवर्नर होंदा। ठीक है, तो आंसर आ रहे हैं, साजन चुग जी कह रहे हैं, गगन चीमा जी कह रहे हैं, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। जी हाँ, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी ये पंजाब के पहले गवर्नर सीगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। बट अगर मैं गल करा जिवें कि आप पहले गल की, ठीक है, 1947 1966, तो 1947 जो भारत आजाद होया उदो चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी जी भारत पंजाब के पहले गवर्नर बने। बट पैपसू की गल भी आप की, तो पैपसू के पहले गवर्नर कौन सी? यादविंद्रा सिंह, यादविंद्रा सिंह। तो 1966 जो नवा पंजाब बनया, तो नवे पंजाब के पहले गवर्नर कौन बने? धर्मवीर। नवे पंजाब के पहले गवर्नर कौन बने? धर्मवीर। तो प्रेजेंट गवर्नर पंजाब के जोड़े प्रेजेंट गवर्नर ने, इन्हों का नाम है वीपी सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ही बिलोंग्स टू राजस्थान, राजस्थान तो बिलोंग करते हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, प्रेजेंट गवर्नर, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन पंजाब, पंजाब दे विच लोकसभा दीआं किन्नीआं सीटां हन? पंजाब दे विच लोकसभा दीआं किन्नीआं सीटां ने? ठीक है, लोकसभा दीआं पंजाब दे विच किन्नीआं सीटां ने? तां लोकसभा दी गल हो रही है, लोकसभा दीआं पंजाब दे विच किन्नीआं सीटां? देखो लोकसभा दीआं जिहड़ीआं सीटां हुंदीआं उह हर स्टेट दे विच डिफरेंट ने, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज डिवाइज डिवाइड कीतीआं जांदीआं ने। तां लोकसभा दीआं किन्नीआं सीटां ने पंजाब दे विच, पंजाब दे विच लोकसभा दीआं किन्नीआं सीटां ने? की 12 ने, 13 ने, 17 ने कि 19 ने? द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन पंजाब, आंसर द क्वेश्चन, उत्तर दिओ जल्दी तो जल्दी, आंसर आने शुरू हुए ने। साजन जी कह रहे ने सी, गगन जी कह रहे ने 13 लोकसभा सीट्स, नीतू जी भी कह रही हैं 13 बी, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन पंजाब। तो देखो पंजाब दे जिहड़ियां लोकसभा दीआं सीट्स ने वो 13 ने, ठीक है, किहड़ियां-किहड़ियां सीटां ने? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, खडूर साहब, लुधियाना, पटियाला ते संगरूर। ठीक है, 13 सीटां ने टोटल, 13 सीटां ने टोटल पंजाब दे विच की दीआं? लोकसभा दीआं 13 सीटां। ठीक है, 13 सीटां ने टोटल, सॉरी किहड़ियां ने? इत्थे थोड़ा जा एक मैं गल करदा, अगर आप नंबर देखिए, ठीक है, किनिया ने 13 सीटा ने पंजाब दे विच 13। चलो अगे चलते हैं, राज्यसभा दीआं सीटा किनिया ने? राज्यसभा दीआं सीटा,
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ MLA, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? MLAs ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 111 ਨੇ, 113 ਨੇ, 114 ਨੇ ਕਿ 117 ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਗਗਨ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਜਨ ਜੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਤੂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 117, 117। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 117 MLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਤੇ ਹੋ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਂ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੋ। ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਬਟ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਫਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਟਾਫਟ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਜਨ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ GK। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।